बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे हाथ में आज देख रहे हैं सेरावी का विटामिन सी सीरम। इसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी, इसके प्राइस, एमएल, क्वालिटी, इसका टेक्सचर और इसे कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस तरह के प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें, वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो व्यूअर्स, अक्सर कंप्लेन आती है कस्टमर के हवाले से कि जी विटामिन सी सीरम ने बड़े बड़े ब्रांड्स के इस्तेमाल कर लिए हैं और क्या है कि हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं। भाई सूट कैसे करेंगे, जब आपकी स्किन ड्राई और रफ़ होगी, बहुत सेंसिटिव होगी, तो विटामिन सी सीरम किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करेंगे जो कॉन्सनट्रेटेड विटामिन सी सीरम हो, वो कभी भी आपको सूट नहीं करेगा। ये सूट कब करेगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप कॉन्सनट्रेटेड विटामिन सी सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पहले अच्छा सा हेलुरोनिक एसिड सीरम इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो ड्राइनेस है, जो सेंसिटिविटी है, वो आपकी रिमूव हो जाए। फिर उसके ऊपर विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो सेरावी का विटामिन सी सीरम है, वैसे भी टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्रोडक्ट है। 30 ml का ये सीरम है। इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ये आपकी स्किन को विजिबली ब्राइट करता है, इवन स्किन टोन करता है, यानी कि जो होता है ना, कहीं से डार्क कॉम्प्लेक्शन, कहीं से लाइट होता है, कहीं से मीडियम फेयर होता है, कहीं से बहुत ज़्यादा फेयर होता है, यानी ये जो 2-3 tone कॉम्प्लेक्शन होता है, इसे सब कॉम्प्लेक्शन को इवन टोन करता है। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है आपकी स्किन के ऊपर, जो फ्री रेडिकल्स आपके चेहरे के अंदर होते हैं जिसकी वजह से मेलन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या स्किन के ऊपर और डिसीजेज आ जाती है जैसे पिगमेंटेशन या पिंपल्स का निकलना या कम एज में चेहरे के ऊपर लाइंस और रिंकल्स का आ जाना, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और कॉम्प्लेक्शन को मेनटेन रखते हैं, स्किन का जो कोलेजन लास्टिंग सेल्स हैं उन्हें कम मेंटेन रखने का काम करते हैं। और व्यूअर्स, ये क्यों रखते हैं, अब सवाल ये है, ये लिखा हुआ है हेल्प रिस्टोर द प्रोटेक्ट ऑफ स्किन बैरियर, यानी कि स्किन बैरियर को ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा जो इसके सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 essential सेरामाइड्स, जितने भी सेरावी की प्रोडक्ट्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, उसमें 3 essential सेरामाइड्स लाजमी होंगे जो स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। एक्चुअली जो बीटा हाइड्रोक्सीलेज़ होती हैं, ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद हमारे कोलेजन लास्टिंग जो सेल्स होते हैं ना, उन्हें डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर पिंपल्स या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये उस चीज़ से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है, विटामिन B5 है। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट रखती हैं। मज़े की बात है, ये अगर सीरम लेते हैं विटामिन सी सीरम, आपको इसके लिए अलग से हेलुरोनिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है हेलुरोनिक एसिड जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, जो विटामिन सी का जो काम है उसे डबल ट्रिपल यानी कि स्पीड से बढ़ा देता है और आपके स्किन को अच्छे और ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि आपको ये कंप्लेन नहीं मिलती कि स्किन को डैमेज कर रहा है विटामिन सी सीरम, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो बात है वो बहुत अहम है, जब आपने विटामिन सी सीरम किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लिया है जिसके अंदर हेलुरोनिक एसिड मौजूद हो, इसके बावजूद आपने इसके ऊपर कोई अच्छा विटामिन सी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, विटामिन ई क्रीम लगा लें या कोई भी अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम या जेल लाजमी इस्तेमाल करें, ऑयली स्किन है तो जेल इस्तेमाल कर लें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अच्छी सी हाइड्रेटिंग क्रीम इस्तेमाल कर लें। जेल फॉर्म में जितनी क्रीम्स होंगी वो मोस्टली ऑयल फ्री होती हैं और जो क्रीम बेस्ड आती हैं प्रोडक्ट्स वो मोस्टली ड्राई टू सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। 30 ml का ये सीरम है, फ्रांस और USA से ये आता है, यानी मेड इन देखा जाए कुछ के ऊपर फ्रांस होता है, कुछ के ऊपर USA होता है। और प्राइस की बात करें तो ये आपको हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से तकरीबन 59.95 से लेकर 69.95 की रेंज में आपको बासानी मिल जाता है। तो अनबॉक्स करें तो अंदर से इस तरह की ये बड़ी खूबसूरत ट्यूब निकलती है। ये आप डे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है कि आपने जब डे टाइम इस्तेमाल करना है तो इसके ऊपर अच्छा सा सनस्क्रीन लगाना है, और अगर आप नाइट टाइम यूज़ करें तो इसके ऊपर अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग, कोई अच्छी नाइट क्रीम यूज़ करें, और बेहतर यह है कि कोई अच्छी सी विटामिन सी या स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें। तो व्यूअर्स, प्राइस बता दिया और उम्र के किस हिस्से में इस्तेमाल करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 25 ईयर्स से ऊपर वाले सब इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये था विटामिन सी सीरम सेरावी का, जिसकी आज इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। फर्दर आपके माइंड में कोई भी इस प्रोडक्ट के हवाले से क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरी कोशिश होगी एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें सेरावी का जो रिसर्फेसिंग या इसका रिनोइंग रेटिनल सीरम है उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की किसी नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।